नीमच मंदसौर और जावरा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता आज दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पहुंचे। आगामी बारिश के मौसम के मद्देनजर नगरपालिका सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने नगरपालिका सहित अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से बारिश के दौरान होने वाली समस्याओं को चिन्हित स्थानों और राहत व बचाव के कार्यों की जानकारी ली। व्यवस्था सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में प्रमुख रूप से सीवरेज लाइन, शहर के अंदर से होकर गुजरने वाले नालों के वर्तमान हालात, जलकुंभी की समस्या और बाढ़ के दौरान निचली बस्ती में पानी भर जाने के संबंध में भी विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जारी 175 करोड़ की राशि नीमच नगर पालिका को विभिन्न मदों में योजनाओं के लिए प्राप्त हुई। इसकी समीक्षा की गई कि विगत 5-6 वर्षों में यह राशि कहां कहां खर्च हुई। इसकी जानकारी भी सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा योजनाओं से जुड़े अधिकारियों और इंजीनियर से ली गई। सांसद द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में बैठक के दौरान नीमच नगर पालिका सीएमओ सीपी राय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, संतोष चोपड़ा, बबलू भटनागर, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, हमारा एक रूटीन संस्कार है ये कि भारत सरकार, राज्य सरकार स्थानीय निकायों पर होने वाले कामों की समीक्षा करें, और इसलिए समय निकालकर शॉर्ट में या विस्तार से हम समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हैं। आज जो समीक्षा थी उसमें जो विषय लिए गए थे, अमृत योजना, 14वें और 15वें वित्त से प्राप्त राशियों का उपयोग, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम, इस सब को लेकर हमने चर्चा किया है। समीक्षाओं में बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे सुधार के बिंदु हैं, जहां कमियां है उसको हमने रेखांकित करके अधिकारियों से शेयर किया है कि इन चीज़ों में जो विसंगतियां उसको सुधार लें, ताकि शहर को हम एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ा सकें। और मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, उनके भी सुझाव थे और सरकार के सिस्टम से जुड़े लोगों के भी सुझाव थे। यहाँ भिन्न भिन्न एजेंसियाँ भी बैठी थी, तो मैं समझता हूँ कि नीमच के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आवास निर्माण के लिए, पेयजल के प्रबंधन के लिए नीमच की नगर पालिका अच्छे से काम कर रही है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मॉनिटरिंग एजेंसी के लोग भी, आपने समीक्षा बैठक की, सामने आया है कि वो भी नगर पालिका के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात है कि ये सहयोगी भाव तो बना ही रहता है, क्योंकि जब इंजीनियर्स होते हैं तो एक दूसरा आपस में बैठता है, तो सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी अपनी ड्यूटी अपन अपन संभालें। आपका काम मॉनिटरिंग होता है, तो मॉनिटरिंग और उसके उत्तर देना चाहिए। इस संबंध में हमने समीक्षा पर बात की है। अपना मानना है कि जनता का एक एक आदमी, क्योंकि नगर पालिकाएं जनता से जुड़ी हुई सबसे निकट की कड़ी होती है, और इसीलिए जनप्रतिनिधियों का क्रम रहता है। वार्डों में पार्षद रहते हैं। आज चूंकि नगर पालिकाएं अपने प्रोसेस को जब प्राप्त करेगी, अभी जनता के बीच में प्रतिनिधियों की कमी, उसके कारण कुछ विसंगतियां आती है, और इसीलिए हमने कॉल सेंटर बना लें या अपनी सुविधाओं के लिए कोई सिस्टम डेवलप कर लें, यह भी नगर पालिका को कहा है, ताकि हर एक के कॉल पर सुनवाई हो जाए। सर, केंद्र सरकार से कितनी राशि मिली, जिसका समीक्षा की गई, कितनी शेष राशि बची है अभी? नहीं नहीं, देखिए, एक बात है, राशियों का एक लगातार क्रम है, और 14-15 से हमने आज जो समीक्षा की है उसमें क्रमशः बहुत सारे मदों के अंदर आई हुई राशियां, जिसमें केंद्र राज्य के अनुदान भी होते हैं, स्थानीय निकायों का भी होता है। लगभग 125 करोड़ के काम ऐसे थे जो इन 5-7 सालों के अंदर नीमच नगर में हुए हैं, उन कामों की हमने प्राथमिक समीक्षा की है। थर्ड पार्टी को लेकर बैठक में वो विवाद हुआ था, क्या था वो पूरा मामला? नहीं नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है। भारत सरकार ने अपने द्वारा दिए फंडों के लिए एक पार्टी एजेंसी अपॉइंट की जाती है, वो एजेंसी पृथक से मॉनिटरिंग भी करती है, तो मॉनिटरिंग वाली बात वहाँ पर आकर खड़ी हुई थी। अतिक्रमण हटाने को लेकर सर अभी जिलाध्यक्ष चिंता जाहिर कर रहे थे, मूलचंद मार्ग कुछ बता रहे थे। नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बहाव क्षेत्र में कोई भी चीज की बाधा नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए निर्बाध गति से गंदा पानी शहर से बाहर हो, प्रोसेस में हो, सीवरेज प्लांट को लेकर भी बहुत सारी बातें सुझावात्मक तरीके से जनता की ओर से आई है, तो उस पर समीक्षा करने के बाद नगर पालिका को हमने निर्देश भी दिए कि उनको पूर्णता की ओर ले जाएं,
और पूर्णता में नगर पालिका अपने अमले का सहयोग लेकर भी उस काम को पूर्ण करे। बीते दिन की बात है, नगर पालिका द्वारा टेगोर मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया था, 7-8 घूमते हटाई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आए और प्रदर्शन किया और वापस से घूमते को पुनः रखवा दिया। देखिए एक बात है कि मैं नहीं मानता हूँ, रोजगार एक प्रबंधन की दृष्टि से लोग करते और बैठते भी होंगे। आज हमारी बात का विषय था कि बहाव के क्षेत्र में कोई बाधाएं हो तो, मैं बहुत ज्यादा इस पर समीक्षा नहीं करना चाहता क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है और इसीलिए हम कैसे सुव्यवस्थित चल सकें ये प्रबंधन और इस डिसिप्लिन का सबने पालन करना चाहिए, उस पर हम आगे बढ़ते हैं।